अभिषेक बच्चन को 24 अप्रैल को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमिताभ बच्चन का ये सम्मान रंगमंच संगीत के दिग्गज और लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर के स्मृति दिवस पर दिया गया। इस अवार्ड शो में बिग बी के अलावा म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान, रणदीप हुड्डा और अभिषेक बच्चन भी नजर आए। वहीं सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन का एक वीडियो सामने आया है जो कि काफी ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस वीडियो को देख एक्टर की खूब वाह वाही कर रहे हैं। वायरल वीडियो में अभिषेक बच्चन ने स्टेज पर कुछ ऐसा किया जिसे देख आप भी कहेंगे वाह क्या बात है। दरअसल स्टेज पर अभिषेक बच्चन ने जो किया उसके बाद लोगों ने तालियां बजाने शुरू कर दी। नमस्कार, मैं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। दरअसल अभिषेक बच्चन का जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें लोगों के बीच चर्चा बना हुआ है। ये वीडियो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अवार्ड शो का है। अमिताभ बच्चन की मौजूदगी में अभिषेक बच्चन को जब स्टेज पर बुलाया गया तो उन्हें पहले तो सभी को प्रणाम किया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे देख वहां उपस्थित लोग एक्टर अभिषेक बच्चन के लिए तालियां बजाने लगे। इतना ही नहीं, स्टेज पर उनकी तारीफ भी की गई। दरअसल घूमर एक्टर अभिषेक बच्चन को जब स्टेज पर सभी दिग्गजों के बीच बैठने को कहा गया तो उन्होंने बड़े प्यार से ही बात मानकर रखा। उन्होंने सबको ये कहा कि मैं दर्शकों के बीच ही बैठना चाहता हूँ। वहीं स्टेज से उतरते हुए भी एक्टर ने एक बार फिर सभी को प्रणाम किया। अभिषेक बच्चन के इस वायरल वीडियो ने लोगों का दिल जीत लिया। बता दें कि अमिताभ बच्चन के अलावा म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान को मास्टर दीनानाथ अवार्ड और एक्टर रणदीप हुड्डा को विशेष पुरस्कार से नवाजा गया। वर्क फ्रंट की बात करें तो अभिषेक बच्चन को हाल ही रिलीज फिल्म घूमर में देखा गया। इस फिल्म में उन्होंने एक कोच का रोल प्ले किया था। अभिषेक बच्चन ने अभी तक अपनी अपकमिंग फिल्मों को लेकर कोई भी अपडेट शेयर नहीं की है। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।